हाय गाइस, आज के इस वीडियो में पास्ता सैंडविच की बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो गाइस, सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप पास्ता। इस पास्ता को हमें करना है 80% तक बॉयल, और बॉयल करते समय जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। और बहुत ही इजी रेसिपी है गाइस, तो चलिए जल्दी से इसे बॉयल कर लेते हैं। तो सबसे पहले पानी को अच्छे से बॉयल कर लें, ये पहला टिप है। ठंडे पानी में हमें पास्ता को बिल्कुल भी नहीं डालना है। पानी को बॉयल होने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल और 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, और हिलाने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। ये बहुत ही जल्दी 80% तक बॉयल हो जाता है। तो ये देखिए, अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसे एक पीस उठा के ऐसे कट करके आप देख लें कि अच्छे से बॉयल हो गया है। अब स्ट्रेन करके इसका सारा गर्म पानी जो है हम निकाल देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे ठंडा पानी, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो ये देखिए, पास्ता को हमने अलग कर लिया है, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया है, और इस पानी को हम हटा देंगे और पास्ता को ऐसे ही खुले में थोड़ा सा रख देंगे, ताकि ये खिला खिला रहे और एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और इसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। इसके बाद मैंने लिया है एक बोल, इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने अनियंस को ग्रेट करके लिया है, और इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिली को फाइनली चॉप करके डाल दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ग्रेटेड बीट रूट ली है, यानी कि चुकंदर को कद्दूकस करके लिया है। इससे भी इसका टेस्ट और कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर फाइनली चॉप्ड कैरियंडर लिया है, यानी कि धनिया पत्ती ली है, और इसके बाद इसके अंदर बॉयल पास्ता ऐड कर देंगे और इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन फुल है, इसे आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। और अब इसके बाद इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, और इसके बाद 1/4 टीस्पून मैंने चाट मसाला ऐड किया है, और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और इसके बाद इसके अंदर 2 टीस्पून मैंने टमाटो सॉस ऐड कर दी है। आप चाहें तो इसके अंदर हरे वाली चटनी होती है ना, वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर सोया सॉस डाल सकते हैं, या फिर चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस, और इनके एजेस को आप कट कर ले। आजकल जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ उसमें मैं अपना लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज कर रही हूँ। दरअसल गाइस, मेरी राइट हैंड थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है, तो इसीलिए मैं उसे थोड़ा सा कम यूज कर रही हूँ। तो गाइस, इस वीडियोस जो आजकल मैं बना रही हूँ उसमें मुझे बहुत बहुत मेहनत लग रही है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें गाइस, जरूर। और मेरे चैनल के ऊपर और भी जाके आप रेसिपीज देखें, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो ये देखिए, अब ब्रेड के स्लाइसिस के एजेस हमने कट कर लिए हैं, बेल के उन्हें फ्लैट भी कर लिया है, और एंड फाइनली ढेर सारा चीज इसके ऊपर लगा देंगे। और अब इसके ऊपर जो पास्ता की स्टफिंग हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर लगा देंगे, और ऊपर से फिर से चीज लगा के इसे एक ब्रेड के स्लाइस को दूसरे के ऊपर रख देंगे, और 1-2 सेकंड के लिए इसे होल्ड करेंगे ताकि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएं। इसी तरीके से हम अपने सारे जितने भी ये ब्रेड के पीसीज हैं इन्हें तैयार कर लेंगे, और ये सैंडविच तैयार करके हम एक साइड में रख लेंगे, और उसके बाद अपने नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जाएंगे। पास्ता सैंडविच के अंदर जो टेस्ट आता है ना गाइस, वो इतना ज़्यादा अमेजिंग होता है कि आप एक बार खाएंगे तो आप इन सैंडविचेस के फैन हो जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। हमने सारे ब्रेड के स्लाइसेस इस तरीके से तैयार करके रख लिए हैं। अब मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर एक नॉन स्टिक पैन रख दिया है, जिसमें मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया था, और इसके बाद इसके अंदर इस तरीके से ब्रेड के स्लाइसेस रख देंगे, और इन्हें थोड़ा सा प्रेस करने के बाद इन्हें ऊपर से थोड़ी सी लिड लगा के बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे, ताकि इनके अंदर का जो चीज है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए।
तो ये देखिए अब इन्हें ऊपर से थोड़ा सा ढक देते हैं, बिल्कुल 3 से 4 सेकंड के अंदर ही ये चीज मेल्ट हो जाएगा, ज्यादा टाइम हमें नहीं लगने वाला है। तो चलिए अब इन लिड को हटा के देख लेते हैं और एक बार फिर से इन्हें पलट देंगे और अच्छे से इन सैंडविचेस को सेकने के बाद इन्हें सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस तैयार हो गए हैं हमारे पास्ता सैंडविच। अब इन्हें हम अच्छे से सर्व कर लेते हैं। अब इन्हें सेंटर में से काट के हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे, तो ये ट्रायंगल शेप में कट जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या इन्हें मनचाही शेप में कट कर सकते हैं। तो गाइस तैयार हैं हमारे चीजी स्पाइसी और टेस्टी पास्ता सैंडविचेस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।